8 pointers to be considered while preparing for 12th accounting board. आपका जो first point जो होना चाहिए, you have to study regularly. Daily आपको time spend करना है accounting के ऊपर, तभी आपके concept memorize होंगे. इस चीज को follow कर लीजिए. October चल रहा है, November, December, January, February तक यही करना है. चाहे आपको सारे subjects और भी करने पड़ रहे हैं, still you have to spare some time for doing accounting. थोड़ा सा भी करें, कीजिए जरूर. सेकेंड पॉइंट, डो नॉट सी द solutions, क्योंकि आपको सोल्यूशन देखते हैं उस टाइम आपको क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद आप ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं. बेटर देन आप अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करेगी और अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क कीजिए. थर्ड पॉइंट, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट पॉइंट जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, उसको अपने टीचर से पूछिए या खुद उसको सॉल्व कीजिए. कोशिश कीजिए वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में रखे हैं, ये ध्यान रखिएगा, इजी नहीं आते हैं. फोर्थ पॉइंट, आपको अगर 100 आउट 100 स्कोर करने हैं, जो आने बहुत इजी हैं, थ्योरी पे भी वर्क करना है. 90-95% हम कहते हैं अगर प्रैक्टिकल रहता है तो 7-8% थ्योरी भी रहती है, उस पर भी आपको वर्क करना है. अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, 99 आउट ऑफ 100 चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, बुक्स TS एंड DK बिल्कुल अच्छे से हो जानी चाहिए, चाहे उसकी एक्सरसाइज हो, चाहे उसके इलस्ट्रेशन हो, आपको सारे करने हैं. उसके अलावा आपको कैलकुलेशन फसन अप करनी है, फास्ट करनी है, जल्दी करनी है, और जल्दी करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन में टाइम सेव हो चुके. टाइम बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है अकाउंटिंग प्रिपरेशन में. नेक्स्ट थिंग, जब भी आप बोर्ड का पेपर करें, फॉर्मेट को जरूर फॉलो करें, क्योंकि फॉर्मेट ही एक ऐसी चीज है जो आपको स्कोर करने में हेल्प करेगी. अगर आप फॉर्मेट मेंटेन नहीं करेंगे तो टीचर इज हैविंग राइट टू डिडक्ट योर मार्क्स. और लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ, जब प्रिपरेशन करते हुए अब नवंबर में ये टाइम आ गया है कि आप लास्ट 5-6 ईयर्स के पेपर्स, दिल्ली बोर्ड के या अदर स्टेट्स के, और कंपार्टमेंट पेपर्स ऑल्सो, जो पुराने पेपर्स हैं, उनको सॉल्व कीजिए और देखिए आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे. दैट विल गिव यू अ सिचुएशन कि आपको पता चलेगा कि आप पुराने पेपर ही अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स यू हैव टू वर्क मोर ऑन अकाउंटिंग, क्योंकि लेबर तो करनी पड़ेगी. दिस सब्जेक्ट नीड्स लेबर. थैंक यू, एंड मे बी दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. शेयर कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भेजिए, सबके काम आने चाहिए, सबके मार्क्स आने चाहिए. हैप्पी स्टडिंग.